अमृतसर शहर के इतिहासिक रामबाग जिसनों कंपनी बाग के नाम नाल जानिया जाता है। इत्थे जिक्र योग है कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी के नाम से रामबाग की उसारी कराई सी। रामबाग कंपनी बाग विखे बने रणजीत पैलेस जिसनों समर पैलेस कहा जाता है अमृतसर आने वाले सैलानिया की खिच का केंद्र है। इस समर पैलेस में महाराजा रणजीत सिंह अपने राज के दौरान गर्मियों में इत्थे रहिंदे सन। इत्थे महाराजा रणजीत सिंह के जीवन नाल जुड़िया तस्वीरां शस्त्र चांदी के सिक्के अते कई होर वस्तां लोगों के देखने लई रखिया गई हैं। जरूरत है कि नौजवान पीढ़ी खासकर बच्चों महाराजा रणजीत सिंह नाल जुड़े इस इतिहास को जाणू कराने लई समर पैलेस म्यूजियम जरूर दिखाया जाए। समर पैलेस देखना इसलिए जरूरी है, ये एक उस समय के आर्कीटेक्चर नूं दस रहा ते किन्ना सोहना उस समय दे विच बिल्डिंग बनदियां सन, सिख आर्कीटेक्चर नूं प्रेजेंट कर रहा और ये अंदर जो सिस्टम है वो एक यूनिक सिस्टम है कि ये सर्दियों के तुहानूं गर्म पानी तो गर्मियों ठंडा पानी मिलता है। बट देर इज़ नो मकैनिज़म इन दैट, कोई मकैन मशीनस नहीं फिट की हुई। महाराजा रणजीत सिंह समर पैलेस के इंजॉय कर रहे थे पर उन्होंने सिर्फ 2 साल ही इस समर पैलेस में यूज़ किया क्योंकि 1839 महाराजा रणजीत सिंह की डैथ हो जाती है। समर पैलेस जड़ा वै 1837 कंप्लीट होंगे तो सिर्फ 2 साल ही इनू मतलब इन यूज़ कर सके ने, पर यह बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत जरूरी है। समर पैलेस बच्चों क्यों नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को पता तो लगे महाराजा रणजीत सिंह का लाइफ स्टाइल की सी, उसकी की डिप्लोमेसी सी, उसका की विजन सी, इसके अंदर उन्होंने रिलेटेड उन्होंने वैपन्स कुछ है ने, फिर उन्होंने बनाए हुए ने डमीज जड़िया ने, वो दस रहा भी महाराजा रणजीत सिंह इस तरह बैठते सन, इस तरह ड्रैसअप होंगे सन, फिर होर उन्होंने हिस्टरी के नाल रिलेटिड काफ़ी चीज़ा ने जिहड़ियां कि अंदर उन्होंने कलैक्ट करके तो दिखाई गई हैं।